जय नमस्कार। रेलवे भर्ती से संबंधित एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से, और यहाँ पे जो वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए सभी पद रखे गए हैं, गेटमैन की वैकेंसी है। पूरी जानकारी इसमें मैं देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटर में देख रहा हूँ कि आप लेटर है, ये पूर्व मध्य रेल के द्वारा जारी किया गया है 25 नवंबर 2022 को, और यहाँ पे जो वैकेंसीज़ का लोकेशन दिया गया है धनबाद DDU, उसके अलावा दानापुर, सोनपुर और समस्तीपुर में वैकेंसीज़ रखी गई हैं दोस्तों। और ये वैकेंसीज़ इंजीनियरिंग और परिचालन विभाग गेटमैन के पदों के लिए है। भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती की जाएगी और ऑनलाइन के माध्यम से, अभी तक जो इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा और जेम पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो वैकेंसीज है, धनबाद में वैकेंसी रखी गई है 90, उसके अलावा DDU में 187 पोस्ट, दानापुर में 158, सोनपुर 185 और समस्तीपुर में 710। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1330 रखी गई हैं। और भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती के संबंध में ये लेटर है इंजीनियरिंग विभाग और परिचालन विभाग की ओर से। तो जैसे ही अपडेट आएगा जेम पोर्टल के माध्यम से किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर ऑफलाइन के माध्यम से किस तरह से अप्लाई करना है, जिस तरह से पंजाब में और जम्मू में अभी रैली हुई थी उसी तरह से यदि रैली होती है या फिर ऑनलाइन के माध्यम से, जो भी प्रोसीजर होगा इसका जैसे ही अपडेट आएगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। तो ये वैकेंसीज़ का जो नोटिफिकेशन है, 1330 वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं बिहार के अंदर हैं उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।